नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल धनराज शॉर्ट हैंड अकेडमी स्टेनो क्लासेस में। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित वीवी गिरी वराहगिरी वेंकट गिरी। गति 100 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। वराहगिरी वेंकट गिरी या वीवी गिरी भारत के तीसरे उपराष्ट्रपति एवं चौथे राष्ट्रपति थे। उनका जन्म ब्रह्मपुर ओडिशा में हुआ था। उन्हें 1975 में भारत के सर्वोच्च नागरिक अलंकरण भारत रत्न से सम्मानित किया गया। विराम। वीवी गिरी का जन्म 10 अगस्त 1984 को के मद्रास प्रेसिडेंसी के ब्रह्मपुर में हुआ, जो अब ओडिशा राज्य का हिस्सा है। उनके पिता का नाम श्री जोगीह पन्नतुलु था और पेशे से वो वकील थे। प्रारंभिक शिक्षा उन्होंने ब्रह्मपुर से ही प्राप्त की। विराम। 1913 में कानून का अध्ययन करने के लिए वो डबलिन यूनिवर्सिटी चले गए, परंतु आयरिश नेशनल मूवमेंट में शामिल होने की वजह से 1916 में आयरलैंड से निष्कासित कर दिया गया। विराम। भारत वापस आकर उन्होंने मद्रास में वकालत शुरू कर दी। विराम। पैरा। भारत लौटने पर के बाद वह श्रम आंदोलन से जुड़े और साथ में कांग्रेस से भी जुड़ गए। उन्होंने मद्रास और नागपुर का रेलवे मजदूर ट्रेड यूनियन गठित की, जो आगे चलकर अखिल भारतीय रेल कर्मचारी संघ के नाम से जाना जाने लगा। उन्होंने जिनेवा में 1927 में हुई अंतरराष्ट्रीय मजदूर कॉन्फ्रेंस में मजदूरों को तरफ से हिस्सा लिया। विराम। 1937-39 और 1946-47 के बीच वो मद्रास सरकार में श्रम उद्योग सहकारिता और वाणिज्य विभागों के मंत्री रहे। उसके बाद दूसरे विश्व युद्ध और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान वो जेल भी गए। विराम। 1947-51 के बीच वो सिलोन में भारत के उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त रहे। 1952 के पहले आम चुनाव में सांसद चुने गए एवं कांग्रेस पार्टी की सरकार में वो पहले श्रम मंत्री बनाए गए। विराम। वीवी गिरी की समाजवादी राजनीतिक विचारधारा मजदूरों पर केंद्रित थी। उन्होंने श्रम मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, परंतु 1957 का चुनाव वो हार गए। पैरा। भारतीय सोसाइटी श्रम अर्थशास्त्र ISIE के 1957 में शिक्षाविदों के एक विशिष्ट समूह और सार्वजनिक पुरुषों श्रम और औद्योगिक संबंधों के अध्ययन को बढ़ावा देने लगे द्वारा स्थापित किया गया। इस टीम में श्री गिरी के नेतृत्व में किया गया। विराम। वह सफलतापूर्वक उत्तर प्रदेश 1957-1960, केरल 1960-1965 और मैसूर 1965-1967 के राज्यपाल के रूप में सेवा की। वह 1967 में भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में चुने गए। विराम। जाकिर हुसैन का जन्म 1969 में कार्यालय में निधन होने पर राष्ट्रपति चुनाव हुए। राष्ट्रपति के चुनाव और चुनाव परिणाम के मध्य कुछ दिनों के लिए भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्ला कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे। कांग्रेस पार्टी ने राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए नीलिमा संजीव रेड्डी को नामांकित किया और वीवी गिरी ने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर राष्ट्रपति चुनाव लड़ा। विराम। पैरा। भारतीय इतिहास में पहली बार वीवी गिरी कांग्रेस उम्मीदवार को हराकर राष्ट्रपति चुनाव जीते। विराम। उनके सम्मान में भारतीय डाक एवं तार विभाग ने 25 पैसे का डाक टिकट भी जारी किया था। विराम। आशा करते हैं आप सभी को डिक्टेशन पसंद आई होगी, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करें
और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।